विकास के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं। हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे भगवा रंग फिर से, हम तो लहराएंगे भगवा रंग फिर से, हमको लहराना है जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे भगवा रंग हमको फिर से लहराना है। बस इतना ही गाना था। जय श्री राम, हमारे साथ है। जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय 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 शिवाजी। महायुति की सरकार आनी चाहिए, इसी के मद्देनजर अपने 6 उम्मीदवारों की हौसला अफजाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के घाट कोपर में रोड शो किया, जिससे लोगों को अच्छा प्रतिशत देखने को मिला। लोग हर जगह मोदी ही प्रधानमंत्री बने ऐसी घोषणा करते दिखे। मेट्रोपॉलिटन रीजन की 10 सीटें भी शामिल हैं। अच्छी खासी तादाद है वो यहाँ के वोटर्स। ईर्ष्या मुंबई में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ है, मुंबई में उनका सभी मुंबई की तरफ मुंबई वासियों की तरफ से ये भव्य आगमन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आज ही ईर्ष्या मुंबई में आप देख सकते हो कि पब्लिक का जन समुदाय मोदी जी को बस देखने के लिए और लोगों का आशीर्वाद देने के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। आज ही आप निश्चित तौर पे तय कर सकते हैं कि ईर्ष्या मुंबई में भीड़ कोटे जब भारी संख्या से विजय होने वाले और मोदी जी इस बार 400 पार करने वाले हैं। बीजेपी के वोटर्स काफी आपण बघू शकता की मोदीजींना आशीरवाद देण्यासाठी आणि मीरबाईला आशीर्वाद देण्यासाठी आज लाखोंचा समूह आज ईशान्य मुंबईत आलेला आहे, आणि ह्याच प्रकारे 2024 देखील मोदीजींचा विजय हा निश्चित आहे, कुणी विरोधात नाही आहे। तर त्यामुळे घरघोष मताजी जनतेच्या प्रेमाने मोदीजी पुन्हा भारताचे पंतप्रधान होतील। भारत माता की जय, अब की बार की माता की तस्वीर को लेकर बड़ी संख्या में लोग आते हैं और प्रधानमंत्री निराश भी नहीं करते। इस तरह से नारा है कि इस बार मोदी तड़ी पर। देखिए, मुझे लगता है अपोजिशन इस बार तड़ी पर हो चुकी है, उनमें से कितने तो नेतागण जेल के अंदर हवा खा रहे हैं। ये सब अभी कहने के लिए अपोजिशन के पास कोई बचा ही नहीं है। आपको देखने मिलेगा कि माहौल क्या है, अभी आप देख सकते हैं एक लाख से ऊपर यहाँ पर लोगों की भीड़ है। लोगों को यहाँ पे श्री राम करने के लिए, जयराम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए मोदी जी आए हैं। आप लोगों का यहाँ पे उत्साह देख सकते हैं। तो ये अपोजिशन को कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। 10 सालों में जिस तरह से विकास का काम हुआ है, मुंबई में मेट्रो का काम हुआ है, अटल सेतु का काम हुआ है, यहाँ पे देखिए मुंबई में जो काम है, जो विकास काम है वो अच्छी तरह से हो रही है। यहाँ पे कोस्टल रोड का काम हो रहा है, नए नए अस्पताल बन रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो है मोदी जी की सरकार के अंदर महाराष्ट्र में एकनाथ जी शिंदे और हमारे नेता सन्मानीय देवेंद्र जी फडणवीस, अजीत दादा, इनके माध्यम से यहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छा यहाँ पे संकल्प छोड़ा जा रहा है लोगों के लिए। तो मुझे लगता है प्रामाणिकता से जो काम कर रहे हैं उनके पीछे ही लोग खड़े हैं। मैं लोगों के घर में जब द्वार पे जाता हूँ उनके प्रचार के लिए, तो ये मुझे जो प्रतिक्रिया वहाँ से मिली है, मैं आपको कहना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि आपको हमारे घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मोदी जी को ही वोट डालेंगे इस बार पप्पू तड़ी पार। लोकप्रिय लीडर है और इसलिए वो जननायक है, ये रोड शो ही उनको एक जननायक का। क्या कहना चाहेगी आज मोदी जी को देख करके? कितनी खुशी, बहुत खुश हुई। इतनी कोई सेलिब्रिटी को देख के भी नहीं खुशी होती जितनी इनको देख के हुई है। बहुत अच्छा लगा। मन में कुछ ऐसे भावनाएं थी कि कभी बहुत ऐसा लगा कि बस यही देखना था और कुछ नहीं देखना। इतनी कभी सेलिब्रिटी को देखने की भी मेरी इच्छा नहीं थी जितना मुझे प्रधानमंत्री मोदी को देखना था। कि
क्यों अच्छे लगते हैं? क्यों नहीं अच्छे लगेंगे, इतना किया है उन्होंने देश के लिए तो क्यों नहीं अच्छे लगेंगे। अपोजिशन तो ये कह रही है कि मोदी जी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम गुजराती वो अपोजिशन का यही एजेंडा रहता है कि वो कास्ट में बांटे, बट हमें पता है कि मोदी जी ने क्या किया और क्या नहीं किया। हमें ये भी पता है कि मोदी जी कभी कास्ट देख के नहीं कुछ करते, वो जो भी करते पूरे देश के लिए करते हैं। यानी इस बार भी मोदी, इस बार जरूर, हर बार जरूर, हर बार मोदी जी ही आएंगे और हम मोदी जी के पार कर देंगे। अब की बार जय श्री राम, जय श्री राम। यूथ और महिला दोनों मोदी के साथ है। धन्यवाद। बीजेपी के वोटर्स तादाद काफी ज्यादा अच्छी खासी तादाद है वो यहाँ के वोटर्स। मोदी जी से आज मोदी जी को दिखा कह लगता नहीं कहीं कुछ सपना पूरा हो गया। मोदी जी के बारे में तो कितना भी था उतना तो कम है हमारे लिए। मोदी जी जितने हम तो फैन है, मोदी जी यहाँ पे आए तो हम लोग इतना लेडीज लोगों को धक्का मुक्की थे, फिर भी लेडीज लोगों ने सहन करके उतना हम लोग खड़े थे मोदी जी के लिए, उनका स्वागत के लिए। हमें तो ऐसा लग रहा था कोई भगवान ही धरती पे आ गए। मोदी जी आए तो मोदी जी के वो भगवान का सरकार बोलती है मोदी जी परिवार नहीं, अरे कौन बोलता है मोदी का परिवार नहीं, हम सब मोदी के ही परिवार है। मोदी जी कहते हैं तो टेलर है, अभी पिक्चर आगे बाकी है, देखो क्या होता है।